नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार की राजनीति में युवा नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले कन्हैया कुमार इस समय दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि उनका मुकाबला भोजपुरी सिनेमा के स्टार और उत्तर पूर्वी दिल्ली से दो बार के सांसद मनोज तिवारी से होने वाला है। मनोज तिवारी के खिलाफ कन्हैया को एक बड़े प्रतिद्वंदी के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल कन्हैया को कांग्रेस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। कन्हैया कुमार छात्र जीवन से ही सियासत में सक्रिय रहे हैं। वह जेएनयू के छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अपने बेबाक अंदाज की वजह से कन्हैया कुमार युवाओं में काफी ज्यादा लोकप्रिय है। मौजूदा वक्त में वह कांग्रेस के युवा चेहरे के तौर पर देश में एक अलग पहचान बना चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में कन्हैया कुमार ने सीपीआई की टिकट पर चुनावी दांव खेला था। बेगूसराय लोकसभा सीट पर उन्हें भाजपा नेता गिरिराज सिंह से सियासी शिकस्त मिली थी। सीपीआई ने कन्हैया कुमार को ज्यादा तरजीह नहीं दी, इसलिए उन्होंने 2021 में कांग्रेस से हाथ मिला लिया। मौजूदा वक्त में वह एनएसयूआई के प्रभारी भी हैं। कन्हैया कुमार के खिलाफ अदालत में अभी भी देशद्रोह का केस चल रहा है। करीब 8 साल पहले जेएनयू में कथित तौर पर लगे देश विरोधी नारे को लेकर कन्हैया काफी सुर्खियां बटोर रहे थे। अब कन्हैया कुमार लोकसभा की रेस में आने से सुर्खियां बटोर रहे हैं। आइए जानते हैं कन्हैया कुमार की संपत्ति कितनी है। लोकसभा चुनाव 2019 में नामांकन के लिए दिए हलफनामे के मुताबिक कन्हैया कुमार ने साल 2018-19 में अपनी इनकम 2,28,290 रुपए बताई थी। वहीं 2017-18 में उनकी कुल आमदनी 6,30,360 बताई गई थी। 2019 के हलफनामे के मुताबिक उनकी संपत्ति 8.5 लाख रुपए थी। इन सब के अलावा कन्हैया कुमार के पास उनके पैतृक गांव बीहट में विरासत में मिली 1.5 डेसिमल गैर कृषि योग्य भूमि है। वहीं 24,000 रुपए कैश थे और एक बैंक के खाते में 16,647 रुपए और दूसरे खाते में 50 रुपए जमा थे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।